हेलो एवरीवन, योर हेल्दी होम फूड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चुकंदर से बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी, आंध्रा स्टाइल कोकोनट और चुकंदर की चटनी। इसे आप डोसे के साथ, चावल के साथ और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बीटरूट एंड कोकोनट चटनी। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में हम डालेंगे कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल और ये हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो इसको कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चने की दाल और इसमें हम ऐड कर देंगे एक ही चम्मच उड़द की बिना छिलके वाली दाल। दोनों को हम 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 2-3 हरी मिर्ची, ये मैंने लंबी लंबी काटी हैं, और 10-15 हमने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ते, और साथ ही हम डाल देंगे 4-5 लहसुन की कलियां। एक मिनट के लिए इन सब चीजों को चलाते हुए हम भून लेंगे। देखिए जो दाल है वो अब अच्छे से भुन चुकी है, उसका कलर चेंज हो गया है और इस पे अब हम ऐड कर देंगे कटा हुआ चुकंदर। ये मैंने लगभग 1 कप चुकंदर लिया है कटा हुआ और इसे अब हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। इसी में हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच वाइट तिल और थोड़ा सा नमक। ये लगभग मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है ताकि ये चीज़ें जल्दी से पक जाएं। चुकंदर आयरन और फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। चुकंदर जल्दी से पक जाए तो इसलिए हम इसे ढक के पका लेते हैं लगभग 4-5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और जो चुकंदर है अब ये सॉफ्ट हो चुका है और जो सारे मसाले हैं और ये सब चीज़ें हैं इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे फ्लेवर्स इसमें मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये सारी चीज़ों को हम ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ठंडी हो जाती हैं सारी चीज़ें, इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें मिक्स करेंगे ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट। ये लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच कोकोनट लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, थोड़ा सा हम पहले भी डाल चुके हैं, थोड़ा सा गुड़ और छोटा सा टुकड़ा इमली का, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसको ग्राइंड करना इजी हो जाए। कि देखिए अभी भी ये थोड़ा मोटा है, इसे हम एक बार और चला लेंगे और अच्छे से बारीक होने तक ग्राइंड कर लेंगे। साइड से स्क्रेप करके हम इसको दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो ग्राइंड हो चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें कोकोनट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और गुड़ और इमली से ये खट्टी मीठी बनती है। इसे आप पराठे के साथ, डोसे के साथ या राइस के साथ इंजॉय कीजिए। आप ये चटनी बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।